नजूल भूमि विधेयक पर घर में घिरी बीजेपी पर विपक्ष ने हमले तेज कर दिए। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर शुक्रवार को दूसरा अटैक सरकार और बीजेपी पर किया। उन्होंने इस बिल को हमेशा के लिए वापस करने की मांग की। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नजूल लैंड का मामला पूरी तरह से घर उजाड़ने का फैसला है, क्योंकि बुलडोजर हर घर पर नहीं चल सकता है। भाजपा घर परिवार वालों के खिलाफ है। जनता को दुख देने में भाजपा अपनी खुशी मानती है। जब से भाजपा आई है तब से जनता रोजी रोटी रोजगार के लिए भटक रही है और अब भाजपाई मकान भी छीनना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, कुछ लोगों के पास दो जगह का विकल्प है, पर हर एक उनके जैसे नहीं है। बसे बसाए घर उजाड़ कर भाजपा वालों को क्या मिलेगा? क्या भूमाफियाओं के लिए भाजपा जनता को बेघर कर देगी? अगर भाजपा को लगता है कि उनका ये फैसला सही है तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, अगर हिम्मत है तो पूरे देश में लागू करके दिखाएं, क्योंकि नजूल लैंड केवल यूपी में ही नहीं पूरे देश में है। सपा की यही मांग है, अमानवीय नजूल जमीन बिल हमेशा के लिए वापस हो। गौरतलब है कि यूपी में नजूल जमीन विधेयक का मुद्दा गर्म है। अपने ही नेताओं के विरोध के बाद योगी सरकार को इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना पड़ा। योगी सरकार के नजूल जमीन विधेयक का विरोध सहयोगी दलों ने भी किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विधेयक बनाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा है कि हम भी 100% इसके हक में हैं कि इस बिल में संशोधन किया जाए, गरीबों को न उजाड़ा जाए। सरकार की भी यही मंशा है। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया था, पर विधान परिषद उससे बड़ी होती है। उसे लगा कि जब तक संशोधन न हो जाए तब तक इसे पास नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, सबकी मंशा है कि जो लंबे समय से उस जमीनों पर बसे हैं, गरीब हैं, कमजोर जो लोग हैं, एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर बना करके जो लोग हैं उनको यथावत रहने दिया जाए, वो उसी स्टेज पर रहें। ये सरकार की भी मंशा है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि जो लोग बनाए हुए अपने वहाँ नजूल की जमीनों पर मकान बनाए हुए हैं, जो लोग सरकार से लीज पर लिए हुए हैं, उनकी लीज बरकरार रहेगी, बशर्ते कि वो लेने के लिए तैयार हैं तब। और जो 30 साल के लिए लीज है प्रकरण, तो उसमें है कि सरकार जमीन को बाजार के रेट से तय करके उनको लीज देने को भी राजी है। और ये जनहित से जुड़ा विषय है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार जनता से के हितों के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और ये तय हुआ कि भाई बातचीत करके आपस में उन सारे पहलुओं पर और एक बार विचार किया जाए और ऐसा कोई निर्णय ना हो जिससे जनता के लिए नुकसान हो, कोई असहज स्थिति का सामना करना पड़े। और ये पूर्व में भी होते रहे हैं, विधानसभा में, विधान परिषद में। उत्तर प्रदेश में दो सदन व्यवस्था है, तो विधान परिषद में इस तरह की व्यवस्था है कि विचार विमर्श का एक माध्यम है और विचार विमर्श स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने नजूल विधेयक विधानसभा में पास करा लिया था, लेकिन विधान परिषद में केशव प्रसाद मौर्य विधेयक पेश कर रहे थे, जिस पर भूपेंद्र चौधरी एक बार फिर खड़े हुए और उन्होंने ये कहकर प्रवर समिति में भेजने की अपील की कि अभी इस मुद्दे पर पूरी सहमति नहीं है, इसीलिए इसे प्रवर समिति को भेजा जाए। विधान परिषद के अध्यक्ष ने इस बात को मान लिया और इसे प्रवर समिति को भेज दिया है। इसके बाद 2 महीनों में रिपोर्ट तैयार करने के बाद आगे इस विधेयक पर फैसला लिया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।